क्योंकि मॉडर्न फैसिलिटीज में ये है। एक्सरे रहेगा, ईसीजी रहेगा और लैब का सारा इंतजाम रहेगा और हम लोग जो है ये सेंटर हॉस्पिटल से कनेक्ट करके कर रहे हैं। साधारण মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা মেটাতে আপনার এলাকায় খুলে গেল কোহিনূর হেলথ কেয়ার। সোমবার উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুর এক নং ব্লকের অন্তর্গত লোধন স্টেট ব্যাংকের পাশে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের সমস্যা মেটাতে আজ থেকে উদ্বোধন হলো কোহিনূর হেলথ কেয়ার, যেখানে অত্যন্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা মানুষকে চিকিৎসা করা হবে। আর যেতে হবে না কিষানগঞ্জ ও ইসলামপুর, আপনার বাড়ির পাশেই খুলে গেল কোহিনূর হেলথ কেয়ার। কি কি সুবিধা রয়েছে চলুন আমরা একে একে শুনে নেব। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो सेहत को सही रखने की ज़रूरत है और सेहत के लिए, उसका इलाज के लिए, उसका ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है। जब तक फैसिलिटीज़ नहीं होगा आप अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोधन में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ एक बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर का होना ज़रूरी था। जो कमी आज पूरी हो रही है कोहिनूर डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से, जहाँ पर सारा फैसिलिटी मिल रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उस बच्चे का जो यहाँ आकर बहुत दूर दराज से चोपड़ा से मासूम नाम से एक लड़का यहाँ आकर आज कोहिनूर डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से एक सेंटर खोला है जहाँ वो सारा फैसिलिटी अवेलेबल करेगा। डॉक्टर भी रहेगा, एक्सपर्ट भी रहेगा। यहाँ पर सबसे पहली बात इस ग्वाल पोखर इलाका में चाकुलिया, ग्वाल पोखर, लगभग इस्लामपुर तक, लगभग तक हमारे यहाँ ईसीजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी का कोई फैसिलिटी नहीं था। एक एमरजेंसी पेशेंट पेट का हो, हार्ट का हो, उसको फौरन इस्लामपुर या किशनगंज भेजना पड़ता था और लगभग ये रास्ता एक घंटे का। इस बीच में पेशेंट कभी कभार बहुत बुरा हालत में भी पहुंच जाता था, मर भी जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस कोहिनूर डायग्नोस्टिक सेंटर में हमें फैसिलिटी मिलेगा, साथ ही साथ ईसीजी मिलेगा, उसके डिजिटल एक्सरे का फैसिलिटी मिलेगा, एक्सपर्ट भी रहेगा, रिपोर्ट भी यहीं से होगा। इसलिए यहाँ का जो घर मालिक है, जिन्होंने इस घर को दे करके उस लड़के को मदद किया, उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए इलाके के लोगों को और उस मासूम जो यहाँ पर आके ये डायग्नोस्टिक सेंटर चालू किया है, लोगों की फैसिलिटी है। बल्कि यही नहीं, सिर्फ उसका मनसा बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, उनका ये भी मानना है कि हफ्ते में एक दिन वो मुफ्त करेगा, इलाज भी करेगा, ईसीजी भी करेगा, डिजिटल एक्सरे भी करेगा, सारा चीज़ वो फ्री करेगा। इसलिए ग्वाल पोखर के लोगों को उस लड़के का, उस डायग्नोस्टिक सेंटर का शुक्रिया अदा करना चाहिए और जहाँ तक हो सके इसका ताउन मदद करते रहना चाहिए। थैंक्स। इसमें तो डायग्नोस्टिक का सारा फैसिलिटी रहेगा, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, फर्स्ट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ कहीं नहीं है, उसके बाद डिजिटल एक्सरे रहेगा, ईसीजी रहेगा और लैब का सारा इंतजाम रहेगा। और हम लोग जो है ये सेंटर हॉस्पिटल से कनेक्ट करके कर रहे हैं, इसमें आपका वीकली एक दिन जो है यूएसजी फ्री रहेगा, अल्ट्रासोनोग्राफी फ्री रहेगा। और अभी धीरे धीरे क्लिनिक आज उद्घाटन हुआ, इसके बाद धीरे धीरे और हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, धीरे धीरे और सारा चीज़ ऐड करेंगे। हाँ, जैसे जनरल फिजिशियन, गायनो डॉक्टर वगैरह वगैरह यहाँ पे सारा, मतलब कोशिश करेंगे डायग्नोस्टिक पार्ट का सारा चीज़ अवेलेबल रहे सर। यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, ताकि यहाँ का लोग को जो जाना पड़ता है किशनगंज या इस्लामपुर 20-22 किलोमीटर जर्नी करके, अभी इन लोगों को 20-22 किलोमीटर जर्नी नहीं करना पड़ेगा, इन लोगों को लोकल में यहाँ 1-2 किलोमीटर में यहाँ हॉस्पिटल में आके सारा फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। इलाज के लिए एक छोटा अल्ट्रासाउंड या एक छोटा शुगर टेस्ट या एक छोटा हार्ट बीट का ईसीजी का टेस्ट करने के लिए किसी को आप किशनगंज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे पूरा
पूरा फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। यूएसजी के लिए रेडियोलॉजिस्ट आएगा, डॉक्टर सुमित, हाँ ये सारा जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इलाका ग्वालपोखर में इस तरह का डायग्नोस्टिक सेंटर खुले। ये तो बहुत पहले होने चाहिए इस तरह का, पहले क्योंकि ये इलाका हमारे ग्वालपोखर लंबा चौड़ा इलाका है जिसका पॉल्यूशन भी बहुत काफ़ी है, लेकिन हमारे इलाका में कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर या यूएसजी एक्सरे डिजिटल एक्सरे नहीं होने के कारण यहाँ के लोग यहाँ से 30 किलोमीटर दूर इस्लामपुर, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर किशनगंज में जाके करते थे, जिसके कारण कभी कभार ऐसा हो जाता था हॉस्पिटल में कि कभी कभार पेशेंट मर भी जाते थे एक्सरे यूएसजी नहीं होने के कारण। तो मैं जो ये अदारा खोला है इनका शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह का अल्ट्रासाउंड लोहन में खोले, और यहाँ के अवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि लोग यहाँ एक्सरे सेंटर को यूएसजी सेंटर को ऑपरेट करें और कुछ लाभ हासिल करने की कोशिश करें। हाँ जी, देखिए पहले आपको धन्यवाद देता हूँ मैं, और खास करके ये जो आपका कोहिनूर हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक जो सेंटर खुला गया उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और साथ में हमारे डॉक्टर मजहर साहब हैं यहाँ पर इस्लामपुर से आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनॉग्रेशन में आके पहुँचे हैं। और हाँ, सवाल देखिए, इस तरह का हेल्थ केयर होना चाहिए ग्वालपोखर में, और ग्वालपोखर ऐसे भी बैकवर्ड इलाका है, इसलिए हम चाहते हैं कि साइड में हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के साथ इसका कनेक्शन रहेगा। जैसे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, आपका ईसीजी नहीं होता था, डिजिटल एक्सरे नहीं होता था, ये सब फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगा और हॉस्पिटल के साथ इसका कनेक्टिव रहेगा। और ख़ास करके जो यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक सेंटर किए, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बोला कि हफ्ता में एक दिन फ्री भी होगा, इसका मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ग्वालपोखर में इस तरह से अगर आज मान लीजिए कि लोधन में हुआ, एक शाहपुर में हो चुका है, पंजीपुरा में हो चुका है, इस तरह से अगर चारों कोना से होगा तो ग्वालपोखर के अवाम के लिए बहुत फ़ायदा है। और ख़ास करके यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ से इस्लामपुर जाना पड़ता है, बाकिस्तान जाना पड़ता है, तो इसलिए ग्वालपोखर में अगर रह कर के ट्रीटमेंट ग्वालपोखर में हो जाए तो अच्छा है ग्वालपोखर वाले के लिए। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ इस डायग्नोस्टिक सेंटर को खोलने के लिए, और ख़ास करके जो इनको इनॉग्रेशन करवाए हम लोगों के हाथ से, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और ख़ास करके हमारे डॉक्टर साहब को, मजहर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी आज यहाँ पर आए हैं।